धोखेबाज खुदा से बचाए, ये कैसा खुदा है जो धोखा देता है। क्या यार, कुरान से साबित हो रहा है अल्लाह धोखेबाज है यार। मेरे को कसम से यार अजीब लगता है इन मोमिनों के ऊपर कि ऐसे धोखेबाज खुदा को ये अल्लाह को ये खुदा मान बैठे हैं। कि चूंकि अल्लाह हक पे है और वो ना हक पे है तो स्कीम की। हाँ। जो ज्यूज लोग ना हक पे थे। हाँ। किनको अल्लाह धोखा देता है? हाँ, लेकिन पहले ये कंफर्म तो कर ले अल्लाह धोखा देता है, पहले वो कंफर्म तो कर ले। कम से कम अभी तक मैंने 7-8 बार बोल चुका क्या कि अल्लाह धोखा देता है। हाँ, लेकिन लेकिन रुक 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 चलने दे साहिल, चलने दे, लेकिन को चलने दे, लेकिन को चलने दे, लगने दे लेकिन को। जी मोमिन है चोक स्लैम भाई। जी जी, नमाजें पढ़ते हैं। जी जी, अत्तहियात सुना दे। हाँ, التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله الصالحين. آگے أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پیارے بھائی آپ کی نظر میں اگر کوئی ایک لڑکی ہے جو خود اپنی شادی ارینج کرتی ہے दूल्हा ढूंढ के, मैच ढूंढ के, आपकी नजर में ऐसी खातून का, ऐसी फीमेल के बारे में आपकी क्या राय है? राय मतलब दूल्हा ढूंढ सकती, लेकिन सबसे पहली शर्त उसकी ये होनी चाहिए कि उसका जो वली है, अगर वली नहीं होगा तो ढूंढ सकती नहीं। वली वली भी है, बाप है, भाई है, लेकिन वो कमाती धमाती है। उसने वली को इन्वॉल्व नहीं किया, उसने एक अपना मैच परफेक्ट ढूंढा। वली को इन्वॉल्व नहीं किया? नहीं, वली ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। नहीं किया उसने, ऐसी औरत के बारे में आपकी क्या राय है? निकाह हो जाएगा। अच्छा, ऐसी औरत के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी औरत है, नॉर्मल औरत है, बुरी औरत है, क्या है? अच्छी औरत है, और सवाल निकाह का है तो निकाह भी हो जाएगा। अच्छा, अच्छी औरत है जी, और कोई उसको गंदी औरत बोले? वो तो गंदी औरत बोले तो उसका पर्सनल मामला है। नहीं, पर्सनल मामला है, लेकिन उसकी ये सोच, उसको इस बुनियाद पे गंदी औरत, अडल्ट्रस कहना, उसको जानी कहना। देखो, हम किसी के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हारी हर एक के पास जाकर वो सोच गलत है या सही है? कौन सी उसकी जो ये सोच है वो सही है या गलत है? वो सोच गलत है, लेकिन गलत है। लेकिन उसका सुनो 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 बाकी की बात सुनो। हाँ, लेकिन उसका फैसला हम नहीं कर सकते कि हर एक के पास जाके। नहीं नहीं, फैसला करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये गलत सोच है ना, ये औरत को डिसरिस्पेक्ट करना है ना। जी 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 जी, ओके, थैंक यू सो मच। यार भाई ने कहा कि ये गलत, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो औरतों की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये उसकी गलत सोच है। अरे भाई, यही काम आपके रसूलुल्लाह ने किया है। क्या किया? मैं बताता हूँ क्या किया। पढ़िए। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, नो वुमन शुड अरेंज द मैरिज ऑफ अनदर वुमन एंड नो वुमन शुड अरेंज हर ओन मैरिज। द अडल्ट्रेस इज द वन हु अरेंजेस हर ओन मैरिज। सबसे पहली बात अभी सुनो, ये हदीस जो आपने बताया ये इब्ने माजा की हदीस है। जी हाँ, सबसे पहली बात इस हदीस की सनद देखी जाएंगी। ओके, सनद दिखाऊं? जी ओके। ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये तो बस एक क्राइटेरिया था, अब आगे की बात क्या है? ये सही है गलत है? सही है। ओके, हाँ, ये तो बस क्राइटेरिया था, अब आगे की बात। ये जो हदीस है, ये हदीस के पीछे किस सिचुएशन में बोली गई थी हदीस, ये देखा जाएगा। उसको कहा जाता है, मैं सिचुएशन भी बताता हूँ। एक मिनट, मैं बताता हूँ,
एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दो। ओके बताओ। उसको समय तसरी बोलते हैं और उसके लिए बाकायदा एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं इल्मुर रिजाल। समय तसरी के लिए इल्मुर रिजाल के बारे में पढ़ना पड़ता है और उसके लिए फिक्र को समझना पड़ता है। आप मुझे बता सकते हैं फिक्र क्या है? मेरे को आप फिक्र क्या है, फिक्र क्या नहीं है, अस्मा और रिजाल और ये सारी बोंगियां मेरे सामने नहीं करिए। मैंने आपके सामने सुनो 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 आपके सामने आपके रसूल की एक गंदगी पेश की है और ऑथेंटिक हदीस से की है। आप मुझे मैं मानता हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो अस्मा इल्मुर रिजाल है उसकी स्टडी होना चाहिए, फिक की स्टडी। अरे भाई इल्मुर रिजाल की स्टडी करके ये सही हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं, ये हदीस को सही करार दिए गए भाई। हाँ फिक उसे कहते हैं। नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इल्मुर रिजाल किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ द मैन। हाँ द स्टडी ऑफ द मैन, स्टडी ऑफ द मैन। हाँ क्या मतलब है उसका? उसके रावी देखे जाएंगे। ओके ये जब सही ग्रेडिंग की है किस बुनियाद पे की है? किस बुनियाद पे मतलब? ये जो हदीस की ग्रेडिंग सही की गई है वो किस बुनियाद पे की गई है? इल्मुर रिजाल की बुनियाद पे की गई है या कुछ और क्राइटेरिया की गई है? लेकिन ओके लेकिन तो इल्मुर रिजाल वाला आपका मसला सॉल्व हो गया? मसला सॉल्व नहीं हुआ। मसला सॉल्व कैसे सॉल्व नहीं हुआ? मैं क्योंकि मैं बताता हूँ, चार फिक है, चार फिक उस हदीस को अलग तरह से अलग सिचुएशन में प्रेजेंट कर सकते। ओके इसकी स्टडी होना चाहिए। नहीं इसकी, अच्छा इसकी स्टडी जो है ये वाली हदीस के ऊपर, इसकी किसने स्टडी की है? जो मुश्तहिदीन कहा जाता उनको। हाँ पेश करिए उसकी स्टडी इस हदीस के ऊपर। इस हदीस के ऊपर नहीं, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है हदीस के ऊपर। जलेबी बास, पहले तो हदीस बताया तू, इल्मुर रिजाल कर रहा था। जब तुझे समझाया कि इल्मुर रिजाल की बुनियाद पे ही हदीस की ग्रेडिंग होती है, अब उसके बाद आया तू के मुहदीस और फलाना ढिमकाना। अब तुझे कह रहा हूं कि ठीक है मुझे इस हदीस के बारे में कौन से मुहदीस का कॉल आपने पेश करना है, कौन से फकी का कॉल पेश करना है, मुझे बताइए। वो हदीस बताओ एक मिनट, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझे नहीं अभी तक। एक मिनट हदीस बताओ। ये आपके सामने जी, ये हदीस के ऊपर वली का कोई जिक्र है क्या? वली का कोई जिक्र है क्या? वली का क्या, वली के जिक्र से क्या लेना देना है? वली के जिक्र से ही तो लेना देना है हदीस का कि वली इस हदीस में क्या लेना देना है। हाँ वही बता रहा हूँ, वली अगर मौजूद है तो औरत निकाह नहीं कर सकती। वली मौजूद है तो खुद का निकाह नहीं कर सकती। वली मौजूद है तो खुद का निकाह नहीं कर सकती। हाँ यानी आप क्या कह रहे हैं, वली मौजूद है तो खुद का निकाह नहीं कर सकती, लेकिन उसने खुद किया है अरेंज। वली मौजूद भी है, उसने खुद का निकाह किया है फिर भी, क्योंकि हदीस कह रही है कि जानिया वो है जो खुद का निकाह अरेंज करे, उसने किया है। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी उसमें उस लड़की ने वली के होते हुए उसने अपना निकाह खुद सेट किया, वली को इन्वॉल्व नहीं किया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वली है कि नहीं है, उसके लिए समय तस्वीर देखी जाएगी नहीं है ना भाई? सुनो मेरी बात, बिना वली के तो भाई इसमें वली का जिक्र नहीं है। तो इस हदीस की समय तसरी के लिए उन हदीसों को पेश किया जाएगा जो समय तसरी एकदम बेगुबार हो जिसमें। हाँ बेगुबार वाली हदीस पेश करो। तो उसकी स्टडी को बोलते हैं फिक,
नहीं होता भाई, इस हदीस की गुबार गोबर वाली जो हदीस है वो पेश करो। सर साहब इजाजत देंगे? जी जी प्लीज। ओके यार, आपने भी कहा कि इस हदीस में वली मौजूद नहीं है, तो शादी वली के बगैर अगर की है तो जानी है वो, करेक्ट? वली के बगैर नहीं, वली के इजाजत के बगैर। तो जानी है फिर वो? हाँ, क्योंकि वो अप्रिशिएटेड नहीं है। डन हो गया तो भाई, मैं साहिल साहब आपकी बात हो गई, साहिल साहब हो गई बात, कि वली की इजाजत के बगैर किया तो जानी है, बात खत्म हो गई ना साहिल साहब? जानी है तो सुनो सुनो सुनो, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ। अगर वली है और वली को शादी कराने नहीं दे रहा, वली है लेकिन वली को शादी कराने नहीं दे रहा, तो बगैर वली के इजाजत भी निकाह कर सकती वो। हमारा वो सवाल है। ओके ओके, इसको भी सेट करते हैं। किस फिक्र में लिखा ये बात? शाफी ने मानी है, हम्बल ने मानी है, मालकी ने कही है, किसने कही है? अहनाफ, अहनाफ में लिखा हुआ है। दिखाओ, साबित करो, दिखा दो मेरे ये इमाम। नहीं नहीं साहिल साहब, इमाम अबू हनीफा का कॉल दिखा दे कि वली जिंदा है, फिर भी वली की शादी के, वली की इजाजत के बगैर एक लड़की शादी कर रही है खुद बगैर वली के, ये मुझे दिखा दे। एक मिनट, मुझे बात करने का मौका देंगे क्या? जी जी, आप ही बात कर रहे थे, मैं तो काफी देर से सुनने के बाद बोला हूँ। इमाम अबू हनीफा का आपने जो नाम लिया उसको फिके हनफिया कहते हैं, तो उसमें पता मुझे क्या है कि इमाम अबू हनीफा का कॉल हो। ओके, किसका कॉल है फिर? उनके उनके स्टूडेंट का? किस स्टूडेंट का कॉल दिखाओगे? अबू यूसुफ का भी हो सकता है, इमाम मोहम्मद अबू यूसुफ हो सकता है, इमाम अलबानी का भी हो सकता है। अलबानी का कॉल दिखाओगे? मेरी बात सुनो, बेशक कॉल है, अलबानी का कॉल दिखा दो, नहीं सकता ऐसा। अरे अलबानी का दिखा दो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आज अलबानी का कॉल दिखा दो। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मसले पे फिक में उसका मसले का हल नहीं बताया हो। भाई आप दिखा दो ना, चीजें बेगुबार बेगुबार। अरे भाई दिखा दो, दिखाओ। अरे हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी मैं मेरे बेडरूम में हूँ। ओके, इसके लिए बाकायदा किताब खोलने की। अरे भाई, बात इस बंदे का नाम क्या? 1200 पेज, 1500 यार, सबर करो, 1200-1500 पेज सारे मैंने पढ़े हुए हैं। सुनो बेटा सुनो, अब मैं तुम बताता हूँ, तुम हो छनकड़े, तुमने फिक का सिर्फ नाम सुना हुआ, तुमने पढ़ी फिक की एक भी किताब नहीं हुई है। दैट शोज हाउ स्टूपिड एंड इडियट यू आर। ठीक है, तुमने सिर्फ फिक का नाम पढ़ा हुआ, तुम्हें तो इल्मुल रिजाल का नहीं पता था, तुम्हें तो इल्मुल रिजाल का नहीं पता था। साहिल ने बोला, साहिल ने पकड़ा तुम्हें, तुम फिक की बात मुझसे करते हो। फिक जो है वो तुम्हें बताएगी, तुमने फिक की एक किताब नहीं पढ़ी। मैं बताता हूँ क्या है, वली भी किस्मों के हैं, बाप वली है, बाप के बाद भाई वली है, दादा वली है, मल्टीपल वली बन सकते हैं। वली के बगैर निकाह ही नहीं, वो जानी है। तुम मुझे कह रहे हो बाप दादा भाई कोई भी शादी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? उसके ऊपर मुझे फिक्र दिखाओ ना जरा, दिखाओ। एक बात बताओ, क्या पकड़े? बकड़े पकड़े क्या जो तुम इतना गरम के ऊपर, क्या पकड़े? मेरे को ये बताओ। गरम नहीं, मैं तुम्हारी सब कुछ पकड़ लिया, छोड़ो लोगों को सुनने दो, तुम मुझे फिक्र दिखाओ। या तुम वही बता रहा हूँ, वही ही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। एक मिनट, किसकी फिक पढ़ी है? किसकी फिक पढ़ी? कौन सी फिक की किताब पढ़ी है? मैं खोलता हूँ, फिक की किताब कौन सी पढ़ी बताओ? अरे तो होल्ड करो ना, सब मेरे हाथ में थोड़ी है। नाम तो दो ना। अरे इंटरनेट गूगल लो दोस्तों, ये गूगल पे सर्च कर रहा है नाम, ये गूगल पे नाम सर्च कर रहा है फिक की किताबों का। लो जी दोस्तों, ये गूगल पे फिक की किताबों का नाम सर्च कर रहा है, जिसने फिक पढ़ी है। एडम साहब, ये जब आपका फेक का डिस्कशन हो जाएगा, अरे रुक तो सही यार, दे रहे ना तेको मौका, कितना एक तो इरिटेटिंग है तू। अच्छा एडम साहब, जब इससे फिक का जब मसला सॉल्व हो जाएगा ना, मुझे इससे फिर वही सवाल करना है कि क्या इसकी सोच ऐसी है कि वली की इजाजत के बगैर अगर कोई लड़की जाके किसी अपनी पसंदीदा मर्द के साथ वो निकाह करती है तो क्या उसको ये दोबारा ले ले पहले, मैं बाद में फेंक भी जाता हूँ। ये वो कह चुका है कि हाँ फेंक की जा सकती है, तो जानिया बोल भाई।
चोक स्लैम वो गूगल पे सर्च कर रहा है, वो गूगल पे सर्च कर रहा है, बोल नहीं सकता, स्ट्रीम यार्ड मिनिमाइज हो गया। स्ट्रीम यार्ड मिनिमाइज करोगे तो आपकी आवाज हम तक नहीं आएगी। नहीं आवाज आ रही अच्छा है। अभी आई बोलो 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 सब दिखाता तेरे को। ये देखो अरफी के हनफिया को मैंने खोला तो देखो फिर जी, मैंने सामने खोला हुआ स्क्रीन पे, ये मैंने स्क्रीन दिखाई, तूने नहीं खोला, ये मैंने खोला हुआ, ये मेरी स्क्रीन है। नहीं हूँ आपकी, मैं आपकी स्क्रीन देख नहीं रहा हूँ, मैं देख रही नहीं हूँ। हाँ जी, बुक नंबर, पेज नंबर, चैप्टर नंबर, पार्ट नंबर, मैं स्क्रीन देख ही नहीं रहा हूँ। चैप्टर नंबर, पार्ट नंबर, स्टॉप ओपनिंग आर्टिकल, चैप्टर नंबर, पार्ट नंबर। टू हनफीज अ मेल गार्डियन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ डंगर। स्टॉप रीडिंग आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल याद नहीं करता, बुक सामने खुली है, पार्ट नंबर बता, पेज नंबर बता, टॉपिक नेम बता, मैं जाता है वहां पे, आर्टिकल नहीं पढ़ मेरे सामने। तूने कोई बुक नहीं खोली भी, तूने आर्टिकल खोला हुआ गूगल का। ये फिका इमाम अबू हनीफा का फिक की किताब है, तेरे सामने है, मुझे पार्ट नंबर बता, पेज नंबर बता, नहीं तो टॉपिक नंबर बता, मैं पढ़ता है। अबू हनीफा की कोई किताब नहीं, उन्होंने हाथों से कोई किताब नहीं लिखे हुए। यार फिके हनफी की किताब है डंगर, तो तुम कैसा बोल रहे हो, इमाम अबू हनीफा की किताब है हाथ में। ओह माय गॉडनेस, यार बंदा पागल है साली। तू आर्टिकल याद करेगा, उस आर्टिकल याद से मुझे बुक का नाम बता, पेज नंबर बता, मैं खोलता है। वही बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। पेज नंबर, बुक का नाम। लो जी, इसने फिक की कोई किताब नहीं पढ़ी, अभी अभी रन टाइम पे गूगल किया इसने। दोस्तों सुन लिया आपने, इसने कोई किताब नहीं पढ़ी भी, इसने सिर्फ अभी अभी गूगल किया इसने। हाँ भाई, अरे तो गूगल ही करूंगा मैंने, वही तो बताया मैं बेडरूम में। गूगल ही करूंगा, मैंने किताब तो पढ़ी कोई नहीं, मैं झूठ बोल रहा था पहले, मैंने किताब पढ़ी हुई है घर में, सारी किताबें पढ़ी हुई है, किताबें पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ी कोई नहीं हुई। आगे सारी किताब पढ़ी हुई है। हाँ हाँ बोल बोल बच्चे, पढ़ी हुई। गूगल सर्च कर रहा है बच्चा फिर से, जिस आर्टिकल से पहले पढ़ा था उस आर्टिकल में बुक का नाम और नंबर और पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, वो आर्टिकल किसी डंगर ने झूठ की बुनियाद पर लिखा था और कोई रेफरेंस नहीं दिया था। अब ये ढूंढ रहा है और इसका दावा ये था कि ये फेस टू फेस डिबेट करता है। फेस टू फेस पैदा ही नहीं हुआ फेस टू फेस डिबेट करने के लिए अभी। फेस टू फेस चलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन यूट्यूब यार पैदा तो हो जाए यार तू पहले। हाँ ऑनलाइन ही कर रहे हैं, जल्दी से पेज नंबर दे, बुक नेम दे। ऑनलाइन नहीं बोल रहा, फेस टू फेस। यार फेस देख के अपनी बहन की शादी करनी है मेरे साथ, मेरा वॉल्यूम काफी है तुम्हारे लिए। सबसे पहले आवाज से डिबेट होती है, चेहरे से नहीं होती। सबसे पहली बात, चेहरे से डिबेट नहीं होती, वो आवाज से होती है। जा ऐसा कर, आधा घंटा ले सर्च करके, अभी तूने एटलीस्ट ये साबित कर दिया है कि तू झूठा है नंबर वन, नंबर टू तूने साबित कर दिया है कि वो औरत जानी है अगर वो वली की मर्जी के बगैर शादी करेगी। साहिल साहब पकड़ ले इनको यार, वली की मर्जी के बगैर शादी पे जानिया है वो, अनलेस के एक कंडीशन जो के साबित कर दे, क्योंकि तुमने अभी बोल दिया था हनीफा से साबित है, ठीक है अबू हनीफा से साबित है। हेलो, अभी तक तूने दिखाया ही नहीं, तूने पढ़ा ही नहीं हुआ कभी जिंदगी में। अरे बाबा, वो पढ़ने के लिए एक दिन में नहीं पढ़ी जाती, एक दिन में नहीं पढ़ी जाती, सात दिनों में पढ़ी जाती है। देखा मुझे अंबर 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 हुम्बा हुम्बा अंबर अंबा बंबा बंबा करके झूठा। अच्छा एडम साहब प्राइवेट चैट में इसने कमेंट क्या लिखा है देखो। हाँ बताइए। अल्लाह हमारी बहनों को बचाएगा मुर्तद होने से, अल्लाह पर भरोसा रखो, फिकर मत करो। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह तो खुद भरोसे वाला नहीं है, वो तो खुद कहता है कि वो मकार है। ये बेचारे को देखो, ये जो आज चार सीमा बनी है, जो कितना दिल के लिए है बेचारा, समझा वो बता रहे तुम। देखो तुमने जो समझा वो बता रहे। इस्लाम देखो, पता है कि लड़कियां इस्लाम क्यों छोड़ रही है, क्योंकि तेरी जो सोच जो अभी तुमने बताया अभी आयत वो मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरिन, उसका पर्सपेक्टिव सुन पहले। देखो पता है तुझे ये दुआएं कर रहा है ना, अल्लाह बचाएगा हमारी मोमिनाओं को मुर्तद होने से, जो तूने अभी प्राइवेट चैट में लिखा ना, अल्लाह हमारी बहनों को बचाएगा मुर्तद होने से,
अल्लाह पर भरोसा रखो, फिक्र मत करो। आपको मालूम है कि छोड़ रही है, क्योंकि तुम लोग इतने बड़े मक्कार हो अल्लाह की तरह। तू जब इधर आया और मैंने जब तुझे सिचुएशन दिया कि उसका बाप भी मौजूद है, उसके बावजूद वो खुद शादी कर रही है, तो तूने कहा कि मेरी नजर में वो नॉर्मल लड़की, यानी वो गलत नहीं है, और कोई उसको अडल्ट्रस कहेगा, कोई उसको जानिया कहेगा, तो वो बुरा बात, बुरा इंसान है, उसकी सोच बुरी है, ये तूने पहले कहा था। लेकिन जैसे ही तुझे जब हदीस बताई गई तो तूने अपना स्टांस चेंज किया, अब तू उसको जानिया मान रहा है। ये जो तुम्हारे रसूल ने जो गंदगी फैलाई है और जो तुम लोग की सोच बनी हुई है लड़कियों के बारे में, इस वजह से लड़कियां इस्लाम छोड़ रही है। पहले तो तू बोल रहा था नहीं मानता, बाद में तू बोल रहा जानी है। आवाज कट रही। पहले तो तू बोल रहा था जानिया नहीं मानता, अब बोल रहा है कि वो जानिया है तेरी नजर में, अडल्ट्रस है, रंडी है, छिनाल है। अरे अडल्ट्रस जो है वो हदीस जो है उसमें वली का जिक्र नहीं है, तो वली हदीस को पेश किया जाएगा। और अगर वली ना होगा तो शादी करे तो वो अडल्ट्रस है कि नहीं है? वली ना हो से मुराद क्या है, पूरी बात बताओ। तुम एग्जांपल बताओ जिसमें वली ना हो, वली हो, कंडीशन नंबर वन, उसका वली है और वो उसकी शादी एक मुसलमान अच्छे घराने में करना चाहता है, लेकिन वो अपनी मर्जी की शादी कर रही है, ऐसे मौके पे वो अडल्ट्रस है क्या? क्या वली है और वो उसकी शादी एक अच्छे मुसलमान से करना चाह रहा है, लेकिन वो कहती है नहीं मैंने उससे नहीं करनी, मैंने अपनी मर्जी की शादी करनी है, और अपनी मर्जी की शादी करती है, क्या वो अडल्ट्रस है? अडल्ट्रस नहीं है, लेकिन हर औरत को और हर मर्द को ये इस बात का हक है कि अपना जो रिश्ता है वो खुद अपनी पसंद से करे, और दूसरे जो रिश्ते उसका वली नहीं। यार जो सवाल सिंपल कर रहा हूं, कंप्लीट होने दो, एक सेकंड, कहानी नहीं चाहिए मुझे, कहानी नहीं चाहिए। जो रिश्ता है वली का, जो रिश्ता है अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो मुस्तरद करने का हक है, शादी के बाद निकाह तोड़ने का हक है, शादी करने का हक है, इस हदीस के मुताबिक है, दिखाओ मुझे इस हदीस को, तुम इस हदीस दिखाओ, नहीं समझ यार, दिखाओ यार कोई सी हदीस दिखा दो, और ये फ्लिप फ्लॉप कोई सी भी हदीस दिखा दो कि है हक, क्या जो पूरे सियासता में से कोई सी भी हदीस दिखा दे कि वली उसकी शादी करना चाह रहा है और वो अभी फर्स्ट टाइम फटी नहीं हुई, वो सील बंद पैकेट है, वर्जन है, और उसका वली कहीं और शादी करना चाह रहा है और वो अपनी मर्जी से शादी करती है, दिखा दे मुझे, पूरी सियासत देता हूं, पूरा कुरान देता हूं, सारी फिक्र देता हूं, दिखा दे। बल्कि एडम साहब हदीस देखिए जी, देयर इज नो मैरिज एक्सेप्ट विद अ गार्डियन, गार्डियन के अलावा कोई शादी नहीं है। अच्छा, उस मैरिज को बातिल भी कहते हैं रसूलुल्लाह, ये देखिए तीन बार कहा है, वो भी मैं हदीस पेश करता हूँ यार, कहा है, तभी तो इसे चैलेंज दिया साहिल साहब, मैंने इसे चैलेंज क्या दिया है, मुझे पूरे सियासता में से, पूरी फिका में से दिखा दे, अगर लड़की वर्जन हो, ये मेरे अल्फाज नहीं है, हदीस के अल्फाज है बाय द वे, लड़की वर्जन हो, अगर फर्स्ट टाइम उसकी शादी नहीं हुई भी, वर्जन है, वो वली की मर्जी के बगैर शादी कर सके, दिखा दे मुझे। अच्छा ये देखिए, तीन बार उसको इनवैलिड कहा है रसूलुल्लाह ने, ये देखिए, इट वॉज नरेटेड फ्रॉम आयशा दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, एनी वुमन हुज मैरिज इज नॉट अरेंज बाई हर गार्जियन, हर मैरिज इज इनवैलिड, हर मैरिज इज इनवैलिड, हर मैरिज इज इनवैलिड। ठीक है, हर मैरिज इज इनवैलिड जो बताया, लेकिन मैंने तुम्हारे को जो बताया फिके अहनाफ के अंदर वो दिखाओ, तेरे रसूलुल्लाह से दिखाओ, तेरा फिके अहनाफ, और साहिल फिक दिखा दे मुझे, मुझे फिक दिखा दे के, सुन तो सुन, ओपन चैलेंज है, बैक स्टेज ओपन चैलेंज है, जिस वक्त दिखा सकोगे आ जाना, कहो के तुम फ्राइडे को आओगे तब दिखा दोगे, कोई मसला नहीं, हम टॉपिक चेंज करके दूसरी बात करेंगे, ओपन चैलेंज है मेरा, रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूं, लड़की वर्जन है, गार्डियन मौजूद है, वो उसकी शादी एक अच्छे मुसलमान से कराना चाहता है, लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती और अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, क्या ये शादी वैलिड है? मुझे पूरी की पूरी फिका ले ले, कुरान ले ले,
हदीस ले ले, शरा ले ले, जा दिखा दे मुझे, चैलेंज मुराद क्या है, चैलेंज कर दिया मैंने, बता किस दिन आ रहा है, मैंने चैलेंज जो सिनेरियो तुमने पेश किए वो सिनेरियो का एक वर्ड बोले, अच्छा मुसलमान टकरा जाता है तो टकरा जाता है का मतलब क्या, पूरा बताओ, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, नेक मुसलमान ही लिखा हुआ है, बाकी सिनेरियो को ढूंढते रहना। अरे नहीं, नेक मुसलमान मतलब क्या, सबसे पहली बात मैरिज का कॉन्सेप्ट समझाता मैं तुम्हारे को, नहीं समझाओ, मुझे समझ नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, निकाह से पहले मुस्तरद करने का हक है, निकाह से पहले मुस्तरद करने का हक है, मान लेता हूँ, लेकिन वो फिर अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती किसी भी और से, जब तक गार्डियन की मर्जी ना हो, गार्डन की मर्जी ना हो, ऐसा है ही नहीं, आना okay, दिखा दे, दलील दे, दिखा ना, बता दिया मैंने, दलील दे, बता, हाँ बता, साहिल मैंने भी, साहिल साहब मैं भी कुछ भी कह दूं इसे मानना पड़ेगा, मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में सेक्स किए थे शादी के बगैर, क्योंकि मैंने भी कह दिए, इसे मानना पड़ेगा, तुम सर्च कर लो, अगर किताब देना है तो किताब भी होंगी, मैं क्यों सर्च कर लूं, किताब भी होंगी, देखो दिखाना है भाई, दलील देखो देना है, दावा तेरा है, हाँ तो दलील की बात कर रहा हूँ, दलील की ही बात कर रहा हूँ मैं, वो दलील, वरना तू भी मकार है अल्लाह की तरह, जैसे अल्लाह कहता है खैरुल माकिरीन है, तुम्हारे बोलने से या ना बोलने से इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्लाह कहता है चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 54, चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 54, वो मकार हुआ, मकार अल्लाह ही, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तू अल्लाह की तरह मकार है तो क्या उसका, अच्छा ठीक है, वो अल्लाह कहता है तो क्या, तो अल्लाह मकार है, अपने मुंह से कह रहा है वो मकार है, मकार के ना मल्टीपल मीनिंग्स है, अच्छा मल्टीपल मीनिंग है, है प्लॉट, जो प्लॉट, अच्छा यहाँ पे मकार का क्या मीनिंग है, यहाँ पे मकार का क्या मीनिंग है, प्लॉटर है, यहाँ पे मकार का मीनिंग क्या है, प्लॉटर है, और यानी कि मीनिंग है, और भी दूसरे मीनिंग होंगे जो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अच्छा, मैं तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें प्लॉट किसने बताया था, प्लॉट का मतलब क्या होता है, प्लॉट का मतलब क्या होता है, सुनो प्लॉट का मतलब क्या होता है, यार सुन रहा हूँ, प्लॉट का मतलब क्या होता है, बोल रहे हो, कॉन्टेक्स्ट देखो, पूरा कॉन्टेक्स्ट, मैं पूरा ओके पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है बताओ, तो जो धोखा देना चाहते थे वो खुद धोखे में पड़ गए, ओके परफेक्ट, धोखा देना चाहते थे, अल्लाह ने उनको धोखा दिया, वह मकर वो धोखा दे रहे थे, वह मकर अल्लाह और अल्लाह ने धोखा दिया, तो अल्लाह धोखाबाज है, मकर है, और क्या, नहीं 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 बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत तफसीर पेश कर रहे, बिल्कुल गलत तर्जुमा ले रहे, ओके चलो जी तफसीर पेश कर रहे, अरे भाई अरे ईसा अलैहि सलाम को, ईसा अलैहि सलाम को तकलीफ देने के लिए जो आए थे, तो उनके खिलाफ अल्लाह ने कहा था कि जो हाँ, धोखा दे रहे हैं वो हाँ, धोखे में पड़े हुए हैं, पड़े हुए नहीं है, ये नहीं कहा अल्लाह ने कि अल्लाह धोखा दे रहा है, अच्छा तो अल्लाह ने क्या धोखा दिया, ये बताओ, ईसा की जगह पे, अरे अल्लाह का धोखा क्या है, अरे रुक, अल्लाह का धोखा क्या था उस टाइम पे, कि ईसा की जगह किसी और को सलीब चढ़ा दिया, और सारे जो लोग है जो ईसा को मानते थे वो धोखे में आ गए, यही तफसीर है ना, अल्लाह ने धोखा दिया ना सबको, ईसा की तरह की शक्ल किसी और की बना दी, और क्या तफसीर है इसकी, धोखेबाज अल्लाह। साहिल भाई पूरे के पूरे ईसा को मानने वाले लोग समझ रहे ईसा क्रूसीफाई हो गया, अल्लाह ने धोखा दिया हुआ था, तो 600 साल तक धोखा ही दिया है, देखो क्या लिखा हुआ है तफसीर में, क्या लिखा हुआ है, टीम करने की कोशिश की, किसकी तफसीर पढ़ रहा है, मैंने उनकी स्कीम को काउंटर कर दिया, किसकी तफसीर पढ़ रहे, सुनो तफसीर किसकी पढ़ रहे, किसकी, अल मौदूदी की, मौदूदी की, लो जी दोस्तों मौदूदी की तफसीर खोल दे, यार इतनी सी बात है, कोई मसला ही नहीं है, मदूती की तफसीर खोल लेते हैं, अच्छा लेकिन एडम साहब ये जो धोखा देने की बात का इनकार कर रहा है, तफसीर तो छोड़ दो, खुद कुरान में अल्लाह कहता है कि वो धोखा देता है, मल्टीपल और जगहों पे, वो बाद में लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे, अल्लाह धोखे बाद है वो भी मैं लेके आऊंगा,
अभी जरा मैं पहले ये तफसीर खत्म कर दूंगा। तुम बोलने से थोड़ी कुछ होगा, तुम बोलने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह वैसा कर रहा है यार, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम देखो इस्लाम जो है यार ये कितना बोलता है यार, इस्तिकबाल के जमाने से काफी आगे बढ़ चुका है। बोलता है यार ये बंदा, कितना बोलता है, इस्तिकबाल और इस्तिबरार के जमाने से आगे बढ़ चुका। अब मैं समझाता हूँ जो इख्तलाफ का जमाना है। ओए यार सबर करो यार, सबर करो, ओए सबर कर बे, सबर कर, ओए सबर कर, सबर मादूदी की तस्वीर पढ़ ले, मादूदी की तस्वीर पढ़ कर दिया, वैसे कर दिया, चुप कर, मादूदी की तस्वीर पढ़ चुप। ये देखो वमाकर अल्लाही वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ठीक है। मादूदी ने तीन चार आयतों की इकट्ठी तफसीर लिखी हुई है, लिहाजा हम पीछे जाएंगे देखेंगे कहां पे मादूदी ने लिखा हुआ। ये तफहीमुल कुरान है जो मादूदी की तफसीर की तफसीर का नाम है। ओके हम पीछे जाते हैं, मादूदी ने पसंद है मादूदी पढ़ेंगे। ओके ओके क्या कहता है जी, लो जी हमारी अगर आवाज ये, मगर रसूल इस्माइली मसीह को इन तबलीग के लिए किया है, दीन इस्लाम की कामत में हिस्सा लिया, अपनी खिदमात दी, निजात का रास्ता अल्लाह का रफीक बना, और यहाँ पे मदूदी ने लिखा ही नहीं है, तू झूठ बोलता है। तूने कहा तफसीर पढ़ ली मदूदी की साइड की, मदूदी की तफसीर में तो है ही नहीं, उसकी तफसीर है ही नहीं। अरे इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, मदूदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन में है। ओके दोस्तों मदूदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन में है। लो जी कोई बात नहीं, हम इंग्लिश आज तेरे लिए मैं सब सर्च करेगा, हो ही नहीं सकता। सर्च करो, अरे तुम्हारे बोलने से थोड़ी कुछ फर्क गिरने वाला है। तुम सर्च करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे बोलने से कुछ फर्क नहीं गिर पड़ने वाला है। अरे मैं तेरे सामने सब सर्च करके लाएगा, आज तेरा पेट खोलेगा। तुम जो सर्च करने का सर्च करो, लेकिन इस्लाम जो है इस्तिकबाल और इस्तिबरार के जमाने से आगे बढ़ चुका, आगे बढ़ चुका, आगे बढ़ चुका, आगे नहीं बढ़ चुका, वहीं का वहीं बैठा है इस्लाम, आगे बढ़ चुका। ओके जी, लो जी मौलाना मदूदी ने अंग्रेजी में इसकी क्या तफसीर की है, जो अंग्रेजी में उसने तफसीर कोई नहीं की, सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है इन्होंने, इनको इससे आगे जाना पड़ेगा। ये देखे जनाब अंग्रेजी में आ गया मौलाना मदूदी, मौलाना मदूदी कहता है दे स्कीम्ड काउंटर स्कीम बाय स्कीम, सो अल्लाह ने भी स्कीमिंग की, जब उन्होंने स्कीमिंग की तो अल्लाह ने भी स्कीमिंग की, ऑफ हिज ओन, एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द स्कीमर्स। लेकिन उनकी स्कीम के काउंटर में की, तो हालांकि चूंकि अल्लाह हक पे है और वो ना हक पे है, तो स्कीम की जो ज्यूज लोग ना हक पे थे। हाँ हाँ बोलते जा बोलते जा, हाँ जवाब दे दिया, हाँ हाँ क्या जवाब दे दिया। तो जी दोस्तों दोस्तों अब गेम क्या हो रही है, अल्लाह ने स्कीम की क्योंकि लोगों ने स्कीम की, और स्कीम ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, हम सबको पता है। हाँ बेशक, तो फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो तुम तर्जुमा कर रहे है वो तर्जुमा है नहीं। अच्छा वो है नहीं, ओके दोस्तों ये देखना जरा, ये यानी के यहूद कत्ले बारे में एक चाल चले, और खुदा ने भी चाल चला, और खुदा खूब चालने चलने वाला, खुदा चालबाज है। अब अल्लाह अल्लाह का अल्लाह के पास इख्तियार है चाल चलने का, बेशक इख्तियार है, मानते हैं इस बात को, कादिर मुतलक है वो, अल्लाह चालबाज है ना, कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक मतलब हर एक चीज जो उन लोगों ने उसके खिलाफ हाँ किया तो अल्लाह ने वो काउंटर कर दिया, बस खलास। और अल्लाह खूब चालबाज है लिखा हुआ है, और अल्लाह खूब चालने चलने वाला है, खलास नहीं किया ना उन्होंने, जो लोगों ने किया अल्लाह ने प्लान उल्टा कर दिया। अबे प्लान के आगे क्या कह रहे अल्लाह, और अल्लाह खूब चालने चलने वाला है। हाँ पूरा खूब चाले चलने वाला है, बाकायदा उन लोग वो चाले चलने वाला है, जब ऐसी चाले चली जाएंगी तो अल्लाह चाले चलेगा, चाले चलेगा। ओके डन डन, अल्लाह चालबाज साबित हुआ दोस्तों, आगे चलते हैं। सबर कर बे कादर मुतलक की बात 10 बार रिपीट करेगा, इन अल मुनाफिकीन युखादियून अल्लाह, बेशक मुनाफिकीन ने अल्लाह को डिसीव किया, युखादियून अल्लाह को डिसीव किया, अल्लाह वहुआ बट वो खदाउहुम वो उनको डिसीव कर रहा है, वो उनको गुमराह कर रहा है। ये देख इंडीड हिपोक्रेट्स डिसीव अल्लाह बट ही इज डिसीविंग देम, अल्लाह डिसीव कर रहा है।
धोखेबाज अल्लाह, धोखेबाज अल्लाह, धोखेबाज अल्लाह। बेशक हिदायत भी अल्लाह की तरफ से आती है और जो धोखा है वो भी अल्लाह की तरफ से आता है, लेकिन लेकिन अल्लाह धोखेबाज है, लेकिन डॉक्टर मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और वो इनको धोखे दे रहा है। साहिल साहब वर के अल्लाह धोखे बाद ले यार इसको ले, ये खुद भी मान रहा है कि अल्लाह धोखा देता है। आप इस अरे मुनाफिक उल्टी कर दिए, मुनाफिक उल्टी कर दे तो मुनाफिक मुनाफिक को धोखा मिल गया। पहले ठंडा पानी पी ले। अच्छा आप ये मानते हो अल्लाह धोखा देता है? धोखा देता है इन द सेंस कि जो स्कीम पेश की गई वो स्कीम जो उस पर धोखा देता है। भाई भाई इन दी सेंस आप कुछ भी बता लो, कोई यार जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। इन दी सेंस आपकी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए, आप जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन ले लो इन दी सेंस बोल के, मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या। अबे बोले जा रहा है तू, बोले जा रहा है, सुन तो ले सवाल। इन दी सेंस आप बाद में एक्सप्लेन करना, कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप ये मानते हैं तो क्या जिसको यार फिर बोले जा रहा है ये सुनने के लिए रेडी नहीं है, फट चुका है ये, बोले जा रहा है ये बैक स्टेज में भी बोले जा रहा है। देखो सुनो, आप बैक स्टेज थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मुझे ये बताओ इन दी सेंस आप कुछ भी ले लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ कि क्या आप ये मानते हो कि अल्लाह धोखा देता है? लेकिन लेकिन बेशक धोखा जो आता है अल्लाह की तरफ से और हिदायत भी। सुनो सुनो मेरी बात, आगे की बात सुनो, मतलब आप आगे की बात हंसो मत, देखो हंसो मत, देखो मैं बात कर रहा हूं पूरी कर रहा। सुनना भाई, मैं आपके आगे की बात भी सुन लूंगा, आपका एक्सप्लेनेशन भी सुन लूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, हम सुनेंगे। एक बार से फिर साहिल साहब एक सेकंड, इनको कहने दें, कौन धोखे में है बताइए जरा, किनको अल्लाह धोखा देता है? हाँ लेकिन पहले ये कंफर्म तो कर ले अल्लाह धोखा देता है, पहले वो कंफर्म तो कर ले। कम से कम अभी तक मैंने 7-8 बार बोल चुका क्या अल्लाह धोखा देता है। हाँ लेकिन देता है तो अल्लाह धोखेबाज साबित हो गया ना भाई। नहीं तो अरे अरे आप मेरी बात मेरी यार मैं कंप्लीट होने देता, सुनाओ सुनाओ। लेकिन अल्लाह देखो धोखा अल्लाह की तरफ से है बेशक, लेकिन उन्होंने पहले स्कीम करने की कोशिश की थी तो अल्लाह ने उसकी भी काम कर दिया, बस खलास। और साहिल रुक जा यार, साहिल तेरी मेहरबानी रुक जा। आज 799 अल्लाह कह रहा कुरान में, क्या वो अमन में है? अल्लाह की चाल से, अल्लाह की चालों से कोई अपने आप को अमन में महसूस नहीं करता, मगर वही जी खसीफ खजाना पाने वाले अल्लाह की चालों से महफूज है, वरना कोई अल्लाह की चालों से महफूज है। किसी ने चाल नहीं चली साहिल, अब पकड़ इसको, किसी ने चाल नहीं चली। अल्लाह कहता है मैं चाले चलता हूं, अल्लाह की चालों से कोई नहीं बच सकता, सिर्फ वही बचेंगे जो काफिर है, जो खसारे में है। साहिल अब पकड़ इसको, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा, इतनी चीखो पुकार करे आपने। ओके फिर से आयत पढ़ लो, क्या वो अमन में है? अल्लाह की चाल है, अल्लाह की चाल है, कोई अपने को अमन में महसूस नहीं करता, मगर वही लोग जो खसारा पाने वाले। कौन सा सूरा नंबर कह रहा है ये बोलो, आयत नंबर, आयत नंबर बताओ मैडम साहब। फट गई 799 चेक कर लो। चलो इन्होंने इतना तो माना कि अल्लाह धोखा देता है, और चूंकि जो धोखा देता है वो धोखेबाज होता है। 99 हाँ जी 799 यार मोमिनो, धोखेबाज खुदा को मानते हो यार तुम, धोखेबाज खुदा को मानते हो यार, हया करो यार, शर्म करो।
तुम्हारा मोमिन खुद इधर अग्री कर रहा है कि धोखा देता है अल्लाह, धोखेबाज है। सहल साहब कुर्तुबी देखे इसके बारे में क्या कहता है, सुने बड़ा मजदार कहता है, कहता है अल्लाह का ये कहना इस आयत में फआमनु मकर अल्लाह, यानी के वो अपने मकरो फरेब पर अल्लाह के अजाब और इसकी सजा से बेखौफ हो गए। इसके मकर से मुराद इसकी खुफिया तदबीरें हैं। लो जी दोनों चीजें, दोनों चीजें। ओ माय गुडनेस, किधर बचोगे बेटा, किधर बचोगे। अल्लाह इतना मकार है, मैं 18 आयतें खोलूंगा। अल्लाह मकार है, अल्लाह मकार है, अल्लाह डिसीवर है। अल्लाह 18 खोलो या 800 खोलो, 18 खोलो या 800 खोलो, अपना काम कर। ओए तू अपना काम कर, तू तफसीर ढूंढ रहा था, जा पहले ढूंढ क्या, तू अपना काम कर। तू मेरा, तू मुझे जवाब ना दे, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, तेजी कर रहा हूं, 4000 लोग जो हमें देख रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं। तू अपनी तफसीरें खोल, जाके तफसीरें पढ़, तेरा काम नहीं है बोलना जब तक तेरी तफसीर नहीं आती। धोखेबाजों से बचाए, धोखेबाज खुदा से बचाए, ये कैसा खुदा है जो धोखा देता है, कैसा खुदा है जो धोखेबाज है। धोखेबाज खुदा, धोखेबाज खुदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, धोखा धोखा धोखा, दिया दिया दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, धोखा धोखा धोखा, दिया दिया। पूरा गाना बना दिए, पूरा गाना बना दिया साहिल ने। क्या यार, कुरान से साबित हो रहा है अल्लाह धोखेबाज है। यार मेरे को कसम से यार अजीब लगता है इन मोमिनों के ऊपर कि ऐसे धोखेबाज खुदा को, ये अल्लाह को ये खुदा मान बैठे हैं। नेगेटिव सिफत एक खुदा की कैसे हो सकती है यार? अल्लाह की सारी सिफतें नेगेटिव है। जब अल्लाह कहता है वो मुतकब्बिर है तो नेगेटिव सिफत है अल्लाह की, मुतकब्बिर है। जब अल्लाह कहता है वो मुदिल है तो ये नेगेटिव। अल्लाह की 50% ज्यादा सिफतें तो नेगेटिव है। लो जी इसने कोई 8-10 तफसीरें पढ़ ली होंगी गूगल कर करके, इसे मिला नहीं कुछ के क्या कर सके। अभी आर्टिकल पढ़ेगा साला और आर्टिकल की बातें करेगा। मेरे साथ नहीं, तफसीर पढ़ रहा हूं, तफसीर तफसीर। कौन सी तफसीर पढ़ रहा है? वही मौदूदी। मौदूदी की तफसीर में नहीं लिखा हुआ इसके बारे में कुछ, नहीं लिखा हुआ है। अरे तुमको क्या मालूम लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पढ़ी है गंगर। अरे तो तुमने पढ़े पढ़े तो ऐसा, तो देखो कोई क्रिश्चियन भी पढ़ सकता है, कोई कोई मुस्लिम भी पढ़ सकता है, कोई हिंदू भी पढ़ सकता है, वो जरूरी नहीं है। तू कहां से पढ़ा जब उसने लिखा नहीं? धोखेबाज अल्लाह का धोखेबाज भाई। देखो आप तो, आप सुनो, आप सुनो तफसीर, आप सुनो तफसीर, तफसीर दिखा आया स्क्रीन पे, दिखा आया स्क्रीन पे, स्क्रीन ग्रीन वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, तफसीर सुनो। क्यों छोड़ू, क्यों छोड़ू? प्राइवेट चैट में लिंक दे, मैं खोलता। अबे प्राइवेट चैट में लिंक दे, मैं खोलता हूं। मौदूदी की तफसीर नहीं आता, एक सेकंड सुनो मौदूदी, ठीक है? अबे लिंक दे प्राइवेट चैट में, लिंक दे दो यार। तू आर्टिकल पढ़ रहा है, तू आर्टिकल पढ़ रहा है, प्राइवेट चैट में लिंक दे, मैं खोलता यहां पे। पढ़ रहा हूं लिंक दे, तफसीर पढ़ रहा हूं लिंक दे, लिंक दे। एक्सप्रेशन जो है मकर का जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्राइक। एक मिनट शांत हो जा चोकस्लाम, आप कोई वेबसाइट से पढ़ रहे हैं? अरे तू बैक स्टेज में भी ये बकते जा रहा है यार। यार इनको झेलना कितना, आप सोचो यार कि इनको झेलना कितनी मुश्किल वाली बात है, ये बैक स्टेज में भी बोले जा रहा है। थोड़ा शांत हो जा भाई, थोड़ा शांत हो, कोई नहीं सुन रहा है तुझे जब तू बैक स्टेज में रहेगा। रुक, तू भी अपनी बात कर, हमें भी अपनी बात करने दे। चोक स्लैम आपसे सवाल है, आप कोई वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं तफसीर? हाँ वेबसाइट पे। ओके, वो वेबसाइट का लिंक प्राइवेट चैट में डालिए। एक मिनट सुनो ना तफसीर, आप तफसीर तो सुनो पहले कि जो जो बंदा सर तफसीर का लिंक दे, हम स्क्रीन दिखाएंगे। आप जिस वेबसाइट से पढ़ रहे हो ना, वो वेबसाइट का लिंक प्राइवेट चैट में डालिए। अच्छा ये वसीम एम पठान के साथ कोई मुफ्ती है बोल रहा है भाई, वसीम एम पठान का नेक्स्ट नंबर आपका ही है, जरा इससे तफसीर लेने दे ताकि दुनिया को दिखा ले। तफसीर देख के फिर आपको ही ले रहे वसीम एम पठान साहब, दो मिनट रुकिएगा। चोक स्लैम भाई प्राइवेट चैट में वो पहले लिंक डालिए जल्दी से, ताकि हम यहाँ पे शो करके आपके साथ तफसीर पढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी करके से पेस्ट करना है, क्या वजह है कि आप लिंक शेयर नहीं कर रहे?
क्योंकि ये आर्टिकल पढ़ रहा है, ये वजह है। नो इंकलिंग, अंटिल इंकलिंग का मतलब है स्लाइड पे अगर इंकलिंग बोली जा रहा है बैक स्टेज में, बोली जा रहा है साला, बोली जा रहा है। लिंक दे भाई, बराए मेहरबानी प्राइवेट चैट में लिंक पेस्ट कर दे। कर दिया हाँ, लिंक दे दिया भाई। नहीं ये तो सिर्फ myislam.org है, पूरा कहाँ से पढ़ रहा था, पूरा लिंक दे पूरा। अरे उसके अंदर ही है भाई, अभी तुम तो क्या हाथ में लाके दू क्या, उसके अंदर ही है। लो जी दोस्तों ये पकड़ो जी, तो जिस लिंक से पढ़ रहा था वो नहीं तूने लेना, वो लिंक दे पूरा जहाँ से पढ़ रहा है, वो लिंक दे जहाँ से पढ़ रहा है। मैं क्यों ट्रवर्स करूं, क्या क्या पागल है ये, जहाँ से तस्वीर पढ़ रहे हो वो लिंक हो ना भाई। चीको पुकार करते हो, वो दूसरा शख्स कौन है, मैं ये सब देखता नहीं, ये दूसरा शख्स कौन है जो चीको पुकार कर रहा। लो जी साहब, क्या नाम है आपका, ये लिंक है, क्या नाम है आपका, आपका क्या नाम है, आदम अलैहिस्सलाम, आप क्या करूं। हाँ ठीक है, आप जो चीको पुकार कर रहे हैं ना तो उसमें सुनाई नहीं दे रहा भाई। इधर किधर जाना है, ये लिंक में आ गए, इधर किधर जाना है, वो आयत नंबर आर्टिकल पढ़ा, इसने आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल आर्टिकल नहीं पढ़ा, तफसीर है, आर्टिकल में लिंक था, ये आर्टिकल में लिंक था। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो रात के 4 बजे मेरे पास तफसीर तबरी भी हो, तफसीर कुर्तुबी भी हो, तफसीर इब्ने कसीर भी हो, तफसीर तबरी भी हो, तफसीर और तफसीर अल मारिफुल कुरान भी हो, और तफसीर कुरान भी हो। तुम 2 घंटे से जो पढ़ रहे थे, तुम 2 घंटे से कहाँ से पढ़ रहे थे। अरे गूगल से पढ़ रहा था ना, गूगल से पढ़ रहे थे, तफसीर नहीं ना पढ़ रहे थे, आर्टिकल पढ़ रहे थे ना गूगल का। अरे तो तफसीर जो लिखी गई थी, आर्टिकल पढ़ रहे थे ना, आर्टिकल पढ़ रहे थे ना, आर्टिकल नहीं पढ़ रहा था भाई मेरे, तो वो जहाँ से पढ़ रहे थे वो लिंक दो ना भाई, वो पूरा लिंक पढ़ रहे थे। नहीं ये वो लिंक नहीं है, यहाँ से ये खुला है, वो लिंक दो जहाँ से पढ़ रहे थे, झूठे हो तुम। आप बात समझ रहे, लो जी दोस्तों जो मैंने कहा था साहिल, मैंने कहा था ये झूठा है, मक्कार है अल्लाह की तरह। अच्छा, आर्टिकल इसको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। नहीं नहीं साहिल, ऐसे तुम लेवरेज दे रहे हो यार, जो साला ये लिंक भेज सकता है कि इसके आगे कहां जाना है, इसके साहिल नहीं, ये myislam.org का जो इसे लिंक भेजाएगी उस आर्टिकल में लिखा होगा लिंक, इसने वहां से कॉपी करके भेज दिया, साले को पता नहीं है कि ये इसने इसने ये डिसीवर है यार, मैं बता रहा हूँ मक्कार है। अच्छा जिसने लिंक कॉपी पेस्ट करना है, जिसने लिंक कॉपी पेस्ट करना है वो क्यों नहीं कर सकता पूरा लिंक कॉपी पेस्ट। अच्छा मैं एक बार पूछता हूँ, एक मिनट चोक सलाम भाई, पहले ठंडे हो जाओ। आपने जो वेबसाइट दी, अरे वो भाई को ठंडा करो, उनको भाई सुन ले, विक्टिम कार्ड मत खेल अभी, मैं आपके सपोर्ट में आया हूं ना, थोड़ा सबर करो। आपने जो लिंक दिया है वो सामने पेज ये खुल रहा है, चुप करो और वो भाई को पानी पिलाओ, विक्टिम कार्ड। अरे यार ये कैसा इंसान है यार, भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं चोक स्लैम भाई, आपने जो लिंक दिया है वो ऐसे दिखता है स्क्रीन पे जो है, वो जो मौदूदी की तफसीर है, इसके बाद यहां से कहां जाना है आप गाइड नंबर और आयत नंबर, सूरा नंबर और आयत नंबर डाल दो तो दीगर तफासिर आएंगे, उसमें तफासिर मौदूदी की भी है। इस लिंक में बोल रहे हो आप, वो जो लिंक सेंड किया, हाँ ये लिंक तो ऐसा ओपन हो रहा है, इसके बाद कहाँ जाना है, और उसमें तफासीर में एक मौदूदी की भी तफसीर है। इधर तफासीर करके कोई ऊपर कोई तफासीर करके कोई देखो लिखा ही नहीं लिखा, क्या क्या ऑप्शन है मैं बता रहा हूँ, सूरा नंबर और आयत नंबर डालना पड़ेगा। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, प्रॉफिट स्टोरी, इस्लाम, कोट्स, कुरान और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ये जो वेबसाइट जो मैंने सेंड किया ना वो आप सर्च कर लो और उसमें सूरा नंबर और आयत नंबर डाल दो, और फिर वो जो सूरा नंबर और आयत नंबर और आयत नंबर, साहिल ये जहाँ से पढ़ रहा था वो वाला लिंक क्यों नहीं दे रहा। अरे कहाँ से पढ़ रहा था भाई, 4 बजे कहाँ से पढ़ूंगा मैं, नीचे आ गया रस्ते पे आ गया। एक मिनट रुक एडम साहब, 99 ना, 70-99 बोला ना इसने, कौन सी आयत है वो साहिल। अरे यार मेरे पास है 70-99, मेरे पास मदीना खुली है, वेबसाइट पे जा रहा हूँ, एक मिनट रुको, रीड ये कुरान पे चले जाते हैं, कुरान पे तफसीर नहीं है, कुरान है, 70-99 देखनी है आपने, मैं दिखाया 70-99 में। अरे रुकना यार, तू थोड़ा सबर करना यार, एक मिनट, 70-99 में ये तफसीर पे गया, एक मिनट रुको,
तू चला गया कहीं पे? ओके खोल। आ एक मिनट, मैं हाँ मैं भी जो आप ढूंढ रहे हो ना वैसी मैं भी ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए एडम साहब, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका मसला हल हो। एक मिनट रुको, देख भाई मसला ये मेरा 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 मसला है। रुक रुक, अब देख तूने जो कहा जो वेबसाइट दिया कुरान 7:99 एक्सप्लेनेशन, ये यहीं से पढ़ रहे हो आप? जी जी, अब वो वेबसाइट वो कौन सी? एक मिनट, माय इस्लाम। हाँ ये माय इस्लाम में ही है और 799 की तफसीर में भी हम आ गए, बताओ अभी। इधर अल मौदूदी जो है इसकी तो कोई तफसीर ही नहीं है। मैंने क्या कहा था मौदूदी की तफसीर ही नहीं है इसमें? हाँ इससे पूछ रहे हैं आयत की मौदूदी की तफसीर ही नहीं है, यही तो बोल रहा था मैं, है ही नहीं। अरे भाई, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, मौदूदी की तफसीर नहीं है, मौदूदी की तफसीर है उसका पे लिखा हुआ बताता। बता दो, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताता हूँ। जहाँ से पढ़ के बता रहे हो वो लिंक दे, जहाँ से पढ़ के बता रहे हो उसका लिंक दे साले, घंटे से वही तो मांग रहे हैं भाई। मेरे भाई मेरे जहाँ से पढ़ के बता रहे लिंक दिया। चोक स्लैम, चोक स्लैम, तुमने बोला तफसीर में जाओ, ये सामने तुम्हारे क्या लिखा है पढ़ो। अरे मैं तुम्हारी स्क्रीन पे नहीं है, मैं मेरी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आओ, नहीं अपनी स्क्रीन से हटके अभी हमारी स्क्रीन पे आओ, सिम यार्ड पे आओ, जल्दी आओ। हाँ ओके, ये आपके सामने माई इस्लाम की वेबसाइट है और इसमें आपके सामने क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा ऊपर से। होम पेज पे जाओ, होम पेज, होम पेज, होम पेज से इधर आए रे भाई। अच्छा ले फिर से जाते, अभी मैं फर्स्ट टाइम आया स्क्रीन पे, एक मिनट, फर्स्ट टाइम आया ये होम। ओके होम पेज, अभी कहाँ जाऊं? ये होम पेज है, अभी कहाँ जाऊं? अच्छा सुनो, डायरेक्ट गूगल करो सूरह आराफ आयत नंबर 99। सुनो सुनो सुनो, जहाँ से लिंक से तू पढ़ रहा है वो लिंक। मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, धोखेबाजी का पहले पहले कुछ तो भी बोल देते क्या, बात करने से पहले बोल देते क्या कुछ तो भी? अरे बात तो करने दो। अरे तो लिंक दे देना भाई, बात करते कुछ वाली बात करते, मेरी पहले बात तो करने दो, पहले गूगल पे जाओ माय इस्लाम डालो, फिर उसके आगे डालो, फिर सुनो उसके आगे डालो सूरह आराफ आयत नंबर 99 तफसीर। ओके एक मिनट रुक, गूगल पे गया मैं, हां माय इस्लाम और क्या लिखूं? सूरह आराफ, सूरह आराफ मतलब सूरह आराफ और आयत नंबर 99 तफसीर, आगे तफसीर लिखो। ओके तफसीर, एक मिनट रुको, हां ये मैंने लिखा। अच्छा उसके बाद वो वेबसाइट पे जाऊं ना? हाँ जो लिखा हुआ तफसीर में दिखा, देखो स्क्रीन दिखा दे, स्क्रीन दिखा दे। ओके स्क्रीन दिखा, ओपन कर रहा हूँ उसी जगह पे आएगा साला। हाँ मैं इसको वो स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको भाई। देख तूने जैसा बोला वैसा मैं स्क्रीन पे गया और मेरे को ये स्क्रीन आई है, यहीं से पढ़ रहे हो? इसमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अरे भाई तूने आप जैसा बोला वैसी मैं सामने गया। अरे मेरे को इस बात का जवाब दो, अगर मेरे को इसका जवाब दो, इसमें स्क्रीनशॉट भेज सकने का ऑप्शन ऑप्शन है क्या कुछ? अच्छा एक काम कर भाई, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज भाई, व्हाट्सएप पे भेज, मेरा नंबर ले 8655। लिया नंबर, क्योंकि एडम साहब आज देखना ही कि ये पढ़ कहां से रहा है, आर्टिकल से आज छोड़ना नहीं है। इसी वजह से मैं भी इतना झेल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ कि मैं आपको भी इस वजह से ही रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना कि ये पढ़ कहां से रहा है, ये कहां गलती कर रहा है भाई। नंबर लिया भाई, अरे क्या हो गया? हेलो हेलो, हाँ नंबर ले भाई 8655। हाँ 181 बोलू आगे? ये दूसरी स्क्रीन पे चले जाता है लगता है, कसम से यार कितने दिमागी अपंग रहते यार। हेलो हेलो, हाँ मैंने नंबर खोल दिया भाई, तेरा मैसेज नहीं आया। अरे भाई मेरे नंबर आधा चाह रहा। अच्छा 8655181022 पूरा दे दिया नंबर 8655181026। हो गया हो गया हो गया हो गया, एक मिनट, हो गया कॉपी हो गया,
एक मिनट रुका, अभी आ जाएगा। हाँ भेज भाई, एक मिनट रुका, जाना है अभी और भी स्ट्रीम यार्ड में जाना है क्या? अरे मेरे को व्हाट्सएप कर दे भाई, एक मिनट एक मिनट स्ट्रीम यार्ड में जाके प्राइवेट चैट में लिंक कर दे, प्राइवेट चैट में। हाँ प्राइवेट चैट में लिंक भेज दे अगर तूने कॉपी कर लिया। प्राइवेट चैट का ऑप्शन क्या है? राइट साइड पे जहाँ पे तूने पहले लिखा था myislam.org। हाँ उधर ही यही भाग गया साला। कुछ गलती किया रहेगा, लीव का बटन दबा दिया रहेगा। क्या घरे लोग यार, क्या क्या सिखाना पड़ रहा है यार। भाई मेरी मेहनत जाया होने मत दे भाई, आ जाओ और वो लिंक दे दे भाई, देखना है तू पढ़ कहां से रहा है। दो दो तरीके से हम गए एडम साहब, और यहाँ पे वो कोई, ये देखिए इधर भी मौदूदी की कोई तफसीर है ही नहीं। सर मुझे पता नहीं है यार, मैं बोल रहा हूं नहीं है यार, एडम सीकर ने बोल दिया तो बोल दिया आज। क्योंकि एडम सीकर ने बोला तो कम से कम दो वेबसाइटों से पढ़ के बोला है। एडम सीकर ने बोल दिया आज कि इसकी तफसीर नहीं है, मधुदी ने की तो नहीं की है यार। ये पढ़े लिखे जाहिल लोग है यार। ये आर्टिकल पढ़ा था आज, ये जो डेढ़ दो मिनट तीन मिनट बोला है बैक स्टेज में, दैट्स एन आर्टिकल। मधुदी ने उसकी ट्रांसलेशन की है सिंगल लाइन, दो तीन मिनट की कोई पैराग्राफ तो नहीं लिखा उसने, दिखाई नहीं हुआ। मैं मधुदी की अंग्रेजी तफसीर जो मैं लोगों को दिखाता होता हूँ वो मैं इस वेबसाइट से दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये islamicstudy.info की वेबसाइट है, मैं असल में यहाँ से पढ़ता होता हूँ मधुदी को अंग्रेजी में, जब मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे मधुदी दिखानी होती है तो दिस इज माई गो टू वेबसाइट। ठीक है, ये मधुदी की तफसीर, ठीक है, और ये जनाब उसने सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन ही की है। एंड द एक्सप्रेशन सिग्निफाइज सीक्रेट स्ट्रेटजी, वही मकारी विक्टिम with which the victim no inclining until the desired blow is struck, that's it. कुछ नहीं किया उसने, that's it. मधुदी ने 799 के ऊपर कुछ नहीं बताया हुआ। तो ये तो मेरा मतलब है बोंगी है ना, मधुदी की पूरी पूरी तफसीरें हमने खा ली हुई है इसी वैसे इन बच्चों के लिए। क्योंकि मेरी मधुदी फैन क्यों है, मुझे मधुदी क्या पसंदीदगी क्यों है इस वजह से, क्योंकि जब अंग्रेजी में हम जाते हैं ना ये इस वाली आयत पे, ये देखें, दिस इज वाई आई लाइक हिम। ये जो पर्दे की आयत है ना, जब लोग मधुदी भी जाते हैं तो पर्दे की आयत को मैं मधुदी से खोलता हूँ जिस वक्त, तो मजा आता है। क्यों? यहाँ पे वो कहता है जिलाब इज अ लार्ज शीट एंड अदना इज टू ड्रॉ क्लोज एंड रैप अप, बट व्हेन द वर्ड इज यूज्ड इन एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर अला इट गिव्स द मीनिंग ऑफ लेटिंग समथिंग डाउन फ्रॉम अबव। सम मॉडर्न ट्रांसलेटर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट have translated the word to wrap up so as to avoid somehow the command about covering the face. So Islamic hijab ko Madhudi kehta hai ki ye burqa hai, shuttlecock burqa hai, upar se girana hai, aur wo explicitly batata hai ki modern scholars ne isko wrap up ka matlab deke to face ke parde ko khatam kiya hai, wo chuthe hain, chutho chut chuta liye. To sahi sab ye jo western log aate hain mere Madhudi ke liye bolne ke liye, ye unke liye maine website rakhi hui hai ye apne paas, ताकि मधुदी के जरिए उनको फाड़ सकूं।